हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड आई टीच यू मैथ्स वेलकम टू माय चैनल तो यहाँ पे मैं क्लास एट्थ के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ दिस चैप्टर इज चैप्टर नंबर टेन आई एंड सी दोनों ही बोर्ड्स में ये चैप्टर्स हैं सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज डायरेक्ट एंड इन वेरिएशन इट्स वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एज दीज क्वेश्चन दैट यू विल बी सॉल्विंग हेयर विल कम इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन योर फ्यूचर सेम इसी तरीके के क्वेश्चन सेम यही वाले क्वेश्चन आपको अलग अलग कॉम्पटिशन्स में दिख जाएंगे इट कैन बी और बैंक कॉम्पिटिशन बैंक के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हों या आपके सिविल सर्विसेज हो, सी हो एन हो इस तरीके के पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाते हैं सो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनको ध्यान से समझना है सो so, सबसे पहले वील अंडरस्टैंड वॉट इज डायरेक्ट वेरिएशन सो बाई डायरेक्ट वेरिएशन आई मीन डायरेक्ट वेरिएशन मीन्स होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए जिसको हम लोग डायरेक्टली प्रपोशनल बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल हमको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो इन दिस सिनारी स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस मतलब अगर हम स्पीड ज़्यादा बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस अपने आप जो गाड़ी है या स्कूटी है वो ज़्यादा कवर करने लगेगी ठीक है तो स्पीड के बढ़ाने से डिस्टेंस भी क्या होगा बढ़ जाएगा सो दिस इज नोन एज डायरेक्ट वेरिएशन जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट वेरिएशन और अगर हम लोग स्पीड और टाइम की बात करें सो दिस इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल इन्वर्सली प्रपोर्शनल मतलब अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा किसी भी गोल तक पहुँचने में अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप कम टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे या फिर अगर ये बोले कि अगर हम टाइम बढ़ा दें तो इसका मतलब है आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी सो दिस इज वॉट दिस इज रिवर्स और इनवर्स वेरिएशन इसको कहते हैं इनवर्स वेरिएशन क्योंकि यहां पे एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घट रही है या दूसरी चीज के घटने से पहली चीज बढ़ रही है सो दिस इज इनवर्स वेरिएशन वेयर एज स्पीड एंड डिस्टेंस फॉलो डायरेक्ट वेरिएशन ठीक है तो यहां पे ये दो चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे अब एक चीज और समझिएगा जब भी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो डायरेक्ट के वेरिएशन के केस में याद रखिएगा डायरेक्ट वेरिएशन के केस में हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और इनवर्स के केस में हम लोग हमेशा डिवाइड करते हैं क्या करते हैं डिवाइड ऐसा क्यों क्योंकि डायरेक्ट के केस में जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी अब बढ़ी हुई चीज अगर हमको चाहिए वी वॉन्ट समथिंग बिगर देन वॉट वी एक्चुअली हैड तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अगर हमको क्वांटिटी छोटी करनी है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा तो इनवर्स वाले केस में क्या होता है एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है तो इसलिए इनवर्स वाले केस में डिविजन करते हैं डायरेक्ट वाले केस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं तो जब हमको क्वांटिटी बड़ी चाहिए होती है तो मल्टीप्लाई करेंगे जब क्वांटिटी छोटी चाहिए होती है तो हम लोग डिवाइड करेंगे ठीक है तो इसको डायरेक्ट इनवर्स लिखने से अच्छा है ये लिख लें कि अगर हमको कोई चीज ज्यादा चाहिए मोर तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई और कोई चीज़ अगर हमको लेस क्वांटिटी में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड बस ये चीज़ अगर आप लोग अपने दिमाग में बैठा के चलेंगे तो सारे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे बस क्वेश्चन में ये समझना है कि डायरेक्ट वेरिएशन फॉलो कर रहा है या इनडायरेक्ट वेरिएशन फॉलो कर रहा है एंड देन उसके हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सो टूडे आई विल बी सॉल्विंग आर एस अग्रवाल ऑफ क्लास एट्थ आई सी एस सी ई बोर्ड जिसकी मैं एक एक्सरसाइज है एक्सरसाइज टेन ए उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ ठीक है थीके? सो आई विल डू सम ऑफ द क्वेश्चन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ओन तो बाकी अपने आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे ना तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा ठीक है तो खुद ट्राई करना बहुत जरूरी है मैथ्स में सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया है कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ फोर्टी टॉयज इज रुपीज वन जीरो टू फोर सो कॉस्ट ऑफ फोर्टी टॉयज इज इक्वल्स टू रुपीज वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर वट इज द कॉस्ट ऑफ वन डॉयज तो अगर कॉस्ट ऑफ फोर्टी टॉयजीरोस्ट ऑफ वन डॉन अब एक डजन में कितने ट्वेल्व सो वी है कॉस्ट ऑफ वन डजन सो इन इफ वी वॉन्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन डजन दैट इज ट्वेल्व टॉयज फर्स्ट वील हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन टॉय अब फोर्टी टॉयज की कॉस्ट ज्यादा होगी कि वन टॉय की कॉस्ट ज्यादा होगी ये बताइए तो अगर आप दिमाग में सोचेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि 40 टॉयज की कॉस्ट ज्यादा होगी अगर वन टॉय की कॉस्ट निकालेंगे तो वो कम होगी तो इन केस ऑफ लेस कम की निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं इसको दिमाग में रखना है सो कॉस्ट ऑफ वन टॉय विल बी इक्वल टू रुपीज वन जीरो टू फोर डिवाइडेड बाय फोर्टी ठीक है तो जो टोटल कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ आइटम से हम लोग यहां पे डिवाइड कर देंगे सो वी विल गेट द फाइनल कॉस्ट तो यहाँ से फोर से कैंसिल किया फोर टेन टाइम्स आया फोर टू जार एट ट्वेंटी टू फोर फाइव ट्वेंटी फोर सिक्स तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स रुपीज ओके सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन टॉय ये वन टॉय का कॉस्ट है अब अगर ये वन टॉय का कॉस्ट है हमको कितने टॉयज का कॉस्ट निकालना है कॉस्ट ऑफ वन डजन टॉय डजन का मतलब बेसिकली क्या होता है डजन का मतलब होता है ट्वेल्व तो अगर एक टॉय का कॉस्ट ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स है तो ट्वेल्व टॉयज का कॉस्ट कितना निकलेगा तो एक का कॉस्ट कम है तो बारह का कॉस्ट तो ज्यादा होगा ना तो मोर होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे सो वील मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स विद ट्वेल्व और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके देखिए और देखिए और समझिए बताइए क्या आएगा तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले रफ में तो ये आ जाएगा 25.6 फाइव पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेल्व तो आ गया सिक्स टू जैर ट्वेल्व फाइव टू जर टेन टू टू जर फोर वन सिक्स फाइव टू सो टू सेवन थ्री जीरो सेवन टू यहाँ पे पॉइंट लगा लिया सो दिस इज़ रुपीज थ्री हंड्रेड सेवन पॉइंट ट्वेंटी रुपीज तो ये आ जाएगा हमारा वन डजन टॉय के कॉस्ट ठीक है सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन ये है क्वेश्चन नंबर वन इसको पॉज कीजिए वीडियो को और इसको नोट कर लीजिए देन आई विल कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री पे तो ऑड वाले सारे क्वेश्चन कर लेंगे इवन वाले आप अपने आप ट्राई कीजिए ठीक है तो ये रफ वाला जो चीज है इसको मैं यहां से रब कर दे रहा हूं ठीक है कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे ठीक क्वेश्चन नंबर थ्री देखें ये क्या है सो क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है इफ फिफ्टी पेंसिल्स कैन बी बॉट फॉर रूपीज वन ट्वेंटी सो इसमें दिया है कॉस्ट ऑफ फिफ्टी पेंसिल्स इज इक्वल्स टू रूपीज क्वेश्चन so में जो भी कुछ दिया है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि पता चले क्वेश्चन में दिया क्या है अब देखिए यहाँ पे जबरदस्त क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज कर दिया है कह रहा है हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज वन जीरो एट एक सौ आठ रुपए में कितनी पेंसिल मिलेंगी ठीक है तो हम लोग यहां पे एक सौ में कितनी पेंसिल मिलेंगी निकालना क्या है नंबर ऑफ पेंसिल्स जिसको निकालना होता है उसको राइट right साइड पे कर देते हैं क्या बोला जिसको निकालना होता है जो भी फाइंड करना होता है वो इक्वल टू के राइट right साइड पे कर देते तो हमको निकालना है पेंसिल्स ना कि रुपी तो हम लोग पेंसिल को राइट right साइड पे कर देते हैं रुपी को लेफ्ट साइड पे कर देते हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉर रुपीज वन ट्वेंटी या फिर इसको ऐसे लिख दें नंबर ऑफ पेंसिल्स नंबर ऑफ पेंसिल्स फॉर रुपीज वन ट्वेंटी विल बी इक्वल टू फिफ्टी ठीक है तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जैसे होता है तो हमने यहां पे सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना दिया प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना दिया उल्टा कर दिया ठीक है तो यहाँ पे हमने फिफ्टी पेंसिल्स को राइट हैंड साइड पे भेज दिया और वन ट्वेंटी को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया तो नंबर ऑफ पेंसिल्स फॉर रुपीज वन ट्वेंटी एक सौ बीस रुपए में कितनी पेंसिल मिल रही है पचास तो एक रुपए में कितनी पेंसिल मिलेंगी सो नंबर ऑफ पेंसिल्स फॉर रुपी वन अब बताइए 120 में ज्यादा पेंसिल मिलेंगी या एक रुपए में ज्यादा पेंसिल मिलेगी भाई जब अमाउंट कम कर देंगे तो पेंसिल भी तो कम हो जाएंगी तो अमाउंट कम करने पे पेंसिल भी कम हो जाएगी सो देयर फोर लेस वाली बात करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा सो वी विल डिवाइड 50 बाय 120 देखिए जब भी डिवीजन करते हैं ना तो ये इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड पे होता है वो दूसरी तरफ चला जाता है नीचे डिनोमिनेटर में ठीक है तो ये 120 जो है ये नीचे डिनोमिनेटर में चला गया Now we have to find we have to find number of pencils which we can buy for rupees 108 to so, kitni तो कितनी पेंसिल्स आ जाएंगी एक सौ आठ liye में तो so, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे फिफ्टी अपॉन वन ट्वेंटी तो एक सौ आठ रुपये में ज़्यादा आएंगी कि कम आएंगी एक सौ आठ रुपये में ज़्यादा आएंगी ज़्यादा का मतलब है मोर मोर का मतलब है मल्टीप्लीकेशन सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय वन ज़ीरो एट ठीक है सो so, ट्वेल्व से काटा ट्वेल्व टेन टाइम्स ट्वेल्व नाइन टाइम्स जीरो से जीरो गया नाइन फाइव जा फोर्टी सो द आंसर इज 45. फाइव सो एक सौ में वन ओ एट रुपीज में हाउ मेनी पेंसिल ही विल गेट ही विल गेट 45 फाइव पेंसिल्स ठीक है सो अगेन पॉज द वीडियो नोटेड डाउन इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है तो इसको मैं इधर यहाँ पे कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फाइव को इस बात को बस आपको ध्यान में रखना है अगर ये बात आपके दिमाग में है ध्यान में है तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं सो इन क्वेश्चन नंबर फाइव इट से इफ अ लेबरर सेवन एट्टी फोर पर वीक तो अर्निंग कितनी दी हुई है अर्निंग इज रुपीज वीक एक हफ्ते में इतना पैसा कमाता है एक लेबरर ठीक है हाउ मच विल ही अर्न इन फिफ्टीन डेज तो सेवन डेज में अगर इतना कमाता है तो फिफ्टीन डेज में कितना कमाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं अर्निंग इसको ऐसे लिखते हैं अर्निंग इन सेवन डेज इज इक्वल टू रुपीज से हमको निकालनी है अर्निंग तो इसलिए हमने इक्वल टू के राइट right साइड पे अर्निंग रखी है सो अर्निंग इन सेवन डेज इन सेवन एटी फाइव सो अर्निंग इन वन डे एक दिन में अर्निंग कितनी हो जाएगी तो बताइए एक दिन में अर्निंग सेवन डेज से ज्यादा होगी कि कम होगी कम होगी कम होगी का मतलब क्या करना है डिवाइड या मल्टीप्लाई डिवाइड सो so, सेवन से डिवाइड कर देंगे तो सेवन एट्टी फोर डिवाइडेड बाई सेवन आ जाएगा वन वन टू ठीक है यानी एक दिन में वो लेबरर कितने रुपए कमाता है वन हंड्रेड ट्वेल्व नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच डज ही अर्न इन फिफ्टीन डेज सो अर्निंग्स इन फिफ्टीन डेज अब बताइए पंद्रह दिन में जो वो कमाएगा तो वो क्या एक दिन से ज़्यादा कमाएगा या एक दिन से कम कमाएगा तो जाहिर सी बात है एक दिन में कम पैसा कमाएगा जब ज़्यादा दिन तक काम करेगा तो ज़्यादा पैसे कमाएगा तो ज़्यादा का मतलब हो गया मोर मोर का मतलब हो गया मल्टीप्लाई सो यू विल मल्टीप्लाई हंड्रेड ट्वेल्व बाई फिफ्टीन तो इसको रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं वन वन टू को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया फाइव टू जो टेन फाइव फाइव सिक्स फाइव देन टू वन वन देन ये आ जाएगा वन सिक्स एट जीरो दिस इज इक्वल टू रुपीज वन सिक्स एट जीरो दैट मीन्स वो लेबरर फिफ्टीन डेज में कितने पैसे कमा लेगा वो लेबर फिफ्टीन डेज में ही विल अर्न सिक्सटीन हंड्रेड एंड एट्टी रुपीज सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विलकम टू क्वेश्चन नंबर सेवन तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या दिया है इन क्वेश्चन नंबर सेवन इट से फिफ्टीन मैन केन डू अ पीस ऑफ वर्क इन थर्टी सिक्स आवर्स ओके सो पंद्रह आदमी मिल के एक काम को थर्टी सिक्स आवर्स में करते हैं हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर टू फिनिश द वर्क इन ट्वेंटी आर्स कितने आदमी रिक्वायर होंगे उसी काम को करने में इन ट्वेंटी आवर्स ठीक है तो क्वेश्चन में जो जो हमको दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं तो क्वेश्चन में दिया है फिफ्टीन मैन केन डू अ पीस ऑफ वर्क इन थर्टी सिक्स आवर्स सो नंबर ऑफ मेन एंड यहां पे दिया है आर्ट्स ठीक है तो नंबर ऑफ मेन 15 मेन तो टोटल मेन कितने हैं 15 मेन नंबर ऑफ आर्ट्स कितने ले रहे हैं ये 36 कह रहा है हाउ मेनी मेन विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 20 आर्स हाउ मेनी मेन विल बी रिक्वायर्ड तो इसको मान लेते हैं एक्स और टाइम को मान लेते हैं कितना टाइम दिया है ट्वेंटी आवर्स में तो ट्वेंटी आवर्स में कितने लोग इस काम को कर पाएंगे ठीक है तो 20 आवर्स में कितने लोग इस काम को कर पाएंगे तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं अब बताइए जब लोग ज्यादा होंगे 15 आदमी 36 घंटे में पूरा काम कंप्लीट करते हैं।, हैं कितने लोग 20 घंटे में काम को कंप्लीट करेंगे तो बताइए अगर आदमी यहाँ पे बढ़ेंगे 20 काम इस बीस घंटे में कंप्लीट तो करने में कि आदमी कम होंगे देखिए जब ज्यादा आदमी लगाएंगे तभी तो काम जल्दी होगा समझ रहे हैं जब ज्यादा आदमी लगाएंगे एक काम को करने के लिए जब ज्यादा लेबर लगेगी मान लीजिए कोई घर बनाना या कमरा बनाना है तो अगर एक आदमी से काम कराएंगे तो वो बहुत दिनों तक उस काम में लगेगा बहुत टाइम लगेगा तो वो बहुत दिनों तक बहुत ज्यादा टाइम लेगा अगर उसमें दो आदमी लगा लेंगे तो काम डबल स्पीड से हो जाएगा तीन आदमी लगा लेंगे तो काम ट्रिपल स्पीड से हो जाएगा सो जैसे जैसे हम आदमी उसमें बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे जो नंबर ऑफ आर्ट्स हैं वो कम होते चले जाएंगे तो यहाँ पर जो ये वेरिएशन है ये समझना है कि ये डायरेक्ट नहीं इनवर्स वेरिएशन है क्यों इनवर्स है क्योंकि एज वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ मैन द Of will decrease. तो जैसे जैसे लोग बढ़ाते जाएंगे वो कम समय में उसी काम को पूरा कर लेंगे तो एक एरो तो का, मतलब का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे इन दोनों को आपस में रिवर्स कर देंगे एंड देन वील टेकआउट द वैल्यू ऑफ एक्स तो हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा फिफ्टीन बाई एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी बाय थर्टी सिक्स तो इन दोनों को क्या किया यहाँ पे रिवर्स कर दिया इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया ठीक है तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो ये x ऊपर आ जाएगा तो दिस विल बी फिफ्टीन इन टू थर्टी सिक्स अपॉन ट्वेंटी इज इक्वल टू एक्स तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी सो तो फाइव से कैंसिल किया थ्री टाइम्स फाइव फोर 20. फोर से कैंसिल किया फोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई नाइन थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन नंबर ऑफ मेन कितने आदमी यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे सो so यहाँ पे टोटल 27 आदमी रिक्वायर्ड होंगे अगर हमको यही काम 20 घंटे में कराना है ठीक है तो इसके लिए देखिए इसके लिए एक तरीका ये वाला बहुत आसान होता है और सबसे अच्छा होता है मेरे हिसाब से यहाँ पे बस हम लोगों को एरोज बनाने होते हैं इनवर्स वेरिएशन वाले केस में एरो बनाइए इनको रिवर्स कर दीजिए ठीक है तो 15 आदमी 36 घंटे में काम कर सकते हैं एक्स आदमी बीस आर्स लेंगे तो यहां पे इन दोनों को रिवर्स कर लीजिए और एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए दिस इज द ईजीएस्ट वे टू गेट योर आंसर्स और अगर आपने कॉपी में भी ऐसे लिखा है एग्जामिनेशन में तो भी आपको पूरे नंबर हंड्रेड परसेंट मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है सो क्वेश्चन नंबर इस तरीके से करना है इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं इस एक्सरसाइज में ओनली फिफ्टीन क्वेश्चन तो एक और क्वेश्चन कर लेता हूं इनवर्स का फिर उसके बाद आप सारे क्वेश्चन अपने आप भी कर सकते हो सो लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ठीक है सो प्लीज पॉज द वीडियो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए तब तक हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या दिया है देखते हैं सो क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया है A journey by car takes 48 minutes at 65 km per hour. How fast must the car go to finish the journey in 40 minutes? ठीक है तो देखिए यहाँ पे 65 फाइव किलोमीटर पर आर की स्पीड से जब कार चल रही है तो हमको कितना टाइम लगता है उसको कवर करने में जर्नी को कवर करने में उस जर्नी को कवर करने में हमको लगते हैं 48 एट मिनट्स ठीक है उसके बाद ये कह रहा है कि हाउ फास्ट मज द कार गो कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए तो एक जगह हमने लिख लिया स्पीड और एक जगह लिख लिया यहाँ पे टाइम अब बताइए स्पीड और टाइम में कैसा वेरिएशन होता है अभी मैंने आपको बताया था स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और स्पीड एंड टाइम में कैसा वेरिएशन होता है इनवर्स वेरिएशन होता है तो क्योंकि इनवर्स वेरिएशन होता है तो इसलिए यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन के केस में हम लोग स्पीड एक तरफ लिख लेंगे टाइम एक तरफ ले